नमस्कार दोस्तों। हर बुक की कोई ना कोई खासियत होती है जो उसकी यूएसपी होती है। वैसे ही पारिक गाइड आप सभी को मालूम है, बहुत अच्छी गाइड है और उसमें सबसे अच्छा पोर्शन जो उसका है वो है तुलनात्मक अध्ययन। इसी तुलनात्मक अध्ययन में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। इन तुलनात्मक अध्ययन में एक ही कमी है कि इसके रेफरेंस उसमें नहीं दिए हैं। अगर आप रेफरेंस के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। तो इसी सीरीज में हम पारिक के जो 82 पेजेस हैं उनके तुलनात्मक अध्ययन को रेफरेंस के साथ आपको बताएंगे। और इसमें जो मूल पारिक है उसका एक प्रकार से पिति संस्करण जैसा है, हम इसमें इसके संदर्भ जो है आपको बताएंगे और इनको कैसे याद रखना है, कैसे आपको एग्जाम हॉल तक सारी चीज़ें याद रहें, ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। हर वीडियो में हम 2 पेज कवर करेंगे और 41 वीडियोस में टोटल 82 पेज कवर करेंगे। हम आज देखते हैं सबसे पहला पेज। सबसे पहले देखते हैं त्रिसूत्र। त्रिसूत्र है हेतु लिंग औषध। इसका वर्णन चरक संहिता में है पहले अध्याय में और बी बुधे पितामह यानी ब्रह्मा के द्वारा ये हमें ज्ञात हुए हैं, त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद प्राप्त हुआ है ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। त्रिसूत्र का मतलब है कि आयुर्वेद में रोगों के हेतु यानी कारण बताए गए हैं, लिंग का मतलब होता है उनके लक्षण बताए गए हैं और औषध का मतलब होता है उनकी चिकित्सा बताई गई है। इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहते हैं। स्कंद जो है वो बाल ग्रह में जो भगवान शिव जी हैं उनके पुत्र कार्तिकेय के लिए यूज किया गया है यह शब्द स्कंद, इन्हीं को त्रिस्कंद भी कहा गया है। चरक सूत्र अध्याय पहले अध्याय में ही चरक सूत्र अध्याय पहले पहला जो है दीर्घजीवित अध्याय उसमें ही इन्हीं त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा गया है और इन्हीं से मिलता जुलता होता है स्कंद त्रय। लेकिन यहाँ पर जो त्रि शब्द यहाँ पर आगे ना लग के पीछे हो जाता है, यहाँ पर त्रि इसमें दोनों में त्रि पीछे आगे आता है, इसमें भी त्रि आगे आता है लेकिन इसमें त्रि आगे पीछे चला जाता है। त्रिसूत्र में त्रि पहले आता है, त्रिस्कंद में भी त्रि पहले आता है पर स्कंद में त्रय जो है वो पीछे चला जाता है। जब भी कोई आगे आने वाली चीज पीछे चली जाती है तो उसमें दोष मानते हैं। कोई जो अच्छा होता है वो फ्रंट रो में बैठता है और जो गधा होता है वो पीछे चला जाता है, ऐसा अपन कहते हैं। तो यहाँ पर त्रय शब्द पीछे आ गया यानी इसमें दोष आ गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे लंबे समय के लिए, तो यह स्कंद यानी कि जो कि कुमार कार्तिकेय हैं और इनने अपने जो है स्कंद यानी कंधे पर जनेऊ धारण कर रखा है। जो जनेऊ होता है वो 3 सूत्र होते हैं, उसके 3 सूत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा अपन ध्यान रख सकते हैं कि त्रिसूत्र जो है वो स्कंद पे धारण किया हुआ है, तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक ही है। अभी जो हम कोई भी कपड़े पहनते हैं जब उनको उतारते हैं तो वो उल्टा हो जाते हैं, तो अगर हम इसमें स्कंद जो है इसको ऊपर इस जनेऊ को उतारेंगे तो यह त्रि जो है नीचे पीछे आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या आ जाएगा, दोष आ जाएगा, है ना, दोष आ जाएगा। तो यहाँ पर त्रि पीछे आने पर दोष आ जाता है, ऐसा हमें याद रखना है। इसी से मिलता जुलता है त्रिसूत। सूत का मतलब कपड़ा होता है या रसशास्त्र में बताया गया है। रसशास्त्र में बताया गया है कि जो पारद है उसके 5 भेद होते हैं, रस रसेंद्र पारद सूत और मिश्रक। तो लास्ट के जो 3 होते हैं रस रसेंद्र को छोड़कर पारद सूत और मिश्रक इनको त्रिसूत कहते हैं। पारा सभी ने देखा हुआ है श्वेत कलर का होता है। अगर वो कोई सूत यानी कपड़ा पहनना चाहता है तो उसने कैसे कपड़े का चुनाव किया है, मिश्र वर्ण वाले, जैसे कई लोग मल्टी कलर कपड़े पहनते हैं वैसे ही। तो पारा का सूट सूट कैसा है, मल्टी कलर वाला। कई लोग ध्यान दें, आप जब कोई भी फंडे बनाते हैं तो वो फंडे उस विषय से संबंधित होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम हॉल में अतिरिक्त रूप से मेहनत नहीं करने पड़े कि मैंने कैसे याद किया था। तो त्रिसूत में सूत जो है वो कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, पारस के कपड़े कैसे हैं, मल्टी कलर हैं, मिश्र वर्ण वाले हैं, ऐसा याद करना है। पारस का सूत कैसा है, मिश्र वर्ण वाला है, ऐसा ऐसा याद करके आप त्रिसूत को याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसी चैप्टर में त्रिदंड के लिए बताया गया है। त्रिदंड, तो त्रिदंड में दंड शब्द आता है। दंड देने का अधिकार जो है हमारे तीनों देवताओं में भगवान शिव जी के पास है। यह शिव जी का देखिए आप त्रिशूल है, इसी को त्रिदंड समझ सकते हैं।
तो चाहे वो हमारी सत्व यानी मन हो, चाहे वो हमारी आत्मा हो, चाहे हमारे शरीर हो, इन सभी को दंड देने की क्षमता इसी त्रिदंड यानी त्रिशूल के अंदर है, ऐसा याद करना है हमें। इसी त्रिशूल यानी त्रिदंड के अंदर हमारे मन को भी दंड देने की क्षमता है, हमारी आत्मा को भी, हमारे शरीर को। त्रिदंड किसने बताए हैं? तो चरक के पहले अध्याय में ही बताए गए हैं, चरक संहिता में दिए गए हैं। ये त्रिशूल से आप त्रिदंड को याद कर सकते हो। सब कुछ को दंड देने की क्षमता इन त्रिशूल त्रिदंड में है, सत्व आत्मा शरीर को। फिर आते हैं त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ। त्रिस्थूण और त्रिस्तंभ होते हैं वात पित्त कफ। दोनों ही सुश्रुत संहिता में ये संज्ञाएं दी गई हैं, त्रिस्तंभ भी और त्रिस्थूण भी। स्थूण का मतलब होता है मोटा और स्तंभ का मतलब होता है खंबा। तो जैसे अपन किसी भवन को बनाने के लिए खंबे लेते हैं तो स्थूल लेते हैं, थोड़े मोटे लेते हैं ताकि वो मजबूत रहें, वैसे हमारे शरीर के जो खंबे हैं वो हैं वात पित्त कफ। तो ये चित्र में देखिए, इससे अपन समझ सकते हैं वात पित्त कफ जो है ये तीन खंभों की तरह हमारे शरीर का मेन स्तंभ है। फिर आते हैं त्रि उपस्तंभ। इसमें उपस्तंभ आता है यानी कि सपोमेट सपोर्ट्री जो होते हैं वो होते हैं ये। तो ये जो वात पित्त कफ हैं ये तीनों जो है दिखाई नहीं देते हैं, और ये आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य हैं। जो श्लोक में आता है आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये हमें दिखाई देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपन को। तो इनको चरक सूत्र अध्याय 11 में बताए गए हैं, ये त्रयस्वी अध्याय में, जिसमें ये बोला गया है कि तीन उपस्तंभ होते हैं आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। इसी से हमें ये भी ध्यान रखना है कि चरक में जहां पर 11वें अध्याय में आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य बताया गया है, वहीं अष्टांग में जो है आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य यानी उनने अब्रह्मचर्य को जो है उपस्तंभ माना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी वो मैथुन को गिनाते हैं त्रिउपस्तंभ के अंतर्गत। तो इसको याद रखने के लिए अपन ऐसा ध्यान दे सकते हैं अभी से कि जो अष्टांग का आ है वो आ ब्रह्मचर्य जो है में आता है, अष्टांग का आ, ये अपन को गौर करके ध्यान रखना है कि अष्टांग में जो आ है वो आ ब्रह्मचर्य के रूप में उपस्तंभ में आ जाता है, ऐसा करके हमें इनको याद करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन। ये तुलनात्मक अध्ययन है जो चरक संहिता के अध्यायों से मैच करता है। ये पहले अध्याय के बहुत सारे प्रसंग हैं, फिर 11वें अध्याय के हैं। अब बढ़ते हैं अपन धूमपान में। तो धूमपान जो है उसके अंगुल प्रमाण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये चार्ट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें भेद बताए हुए हैं। सबसे पहले चरक के देखते हैं, उसमें चरक में धूमपान के भेद जो है तीन है। सुश्रुत संहिता में पांच बताए गए हैं, भागवत में तीन और सारंगधर में छह बताए गए हैं। यह पूरा चार्ट मैं आपको याद कराऊंगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमपान के भेद जो है वो चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताए गए हैं। सुश्रुत में चिकित्सा का जो लास्ट चैप्टर है, 40वां चैप्टर है, उसमें धूमपान के भेद बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में ही 30वां अध्याय है, वहां पर धूमपान के भेद जो है बताए गए हैं, धूम नेत्र के बारे में वर्णन है। सारंगधर में उत्तर तंत्र में 9वां अध्याय है जिसमें धूमपान का अध्याय है, जिसमें धूमपान और धूम नेत्र के अंगुल प्रमाण सभी बताए गए हैं। तो इनके रेफरेंसेस हमें मालूम होना चाहिए कि सारंगधर में उत्तर तंत्र में वर्णन है, सुश्रुत में चिकित्सा में वर्णन है, ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इन तीनों के नाम देखते हैं। तो अगर नाम देखते हैं तो यहाँ पर हम गौर करते हैं कि धूमपान है उनके जो नाम होते हैं प्रायोगिक धूमपान के, इसमें प्रायोगिक में बा आता है, स्नेहक में सा आता है और विरेचनिक में बा आता है। तो अगर इन तीनों शब्दों को ले लेते हैं तो ये प्रसव करके एक शब्द बन जाता है। ठीक है, प्रसव शब्द जो है बन जाता है। और आपको मालूम है कि प्रसव जो है वो हमारे इंडिया में तो हर सेकेंड बच्चे पैदा होते हैं, यानी 24 घंटे प्रसव होता है। 24 घंटे क्या होता है? प्रसव होता है। तो ये जो प्रसव है वो क्या, प्रसव का जो लास्ट है वो आपको याद हो गया कि 24 घंटे जो है प्रसव होता है। तो ये वाला जो है आप तीसरे ने सभी जो है ना, सभी ने जो प्रसव का बा है वो सभी में 24 है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बा है जो वो सभी में याद हो जाएगा। प्रसव के बाद में जब कोई पैदा हो जाता है तो उससे हम स्नेह करते हैं क्योंकि हमारा बालक होता है। ठीक है, स्नेह करते हैं। तो चरक संहिता में जो है किसी चीज से स्नेह किया गया है तो वो है जो है आठ
आठ अंग बताए गए हैं, आठ मांगलिक पद हैं, आठ स्मृति के कारण हैं, आठ प्रत्यक्ष में बाधक कारण हैं, आठ जो है चरक में हमेशा जो है उनको स्नेह यानी प्रिय है। तो यहाँ चरक में हम 24 में आठ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो स्नेह जो है चरक में कितने हैं, 32 हैं। और आप देख रहे हैं स्नेह 32 हैं, बाकी सभी ने भी कितने बताए हैं, 32 बताए हुए हैं। बाकी आचार्यों ने भी कितने बताए हैं, स्नेह 32 32 32 बताए। तो ये प्लस आठ से चरक को स्नेह है यानी हर चीज वो आठ की संख्या में बताते हैं। आठ मांगलिक पद बताए गए हैं चरक संहिता के पहले अध्याय में, आठ ही अंग हैं आयुर्वेद के, आठ प्रायोगिक धूमपान के काल भी बताए हैं, आठ स्मृति में स्मृति के कारण बताए, आठ ऐश्वर्य बल बताए हैं। चरक संहिता के कई स्थान आठ अध्याय वाले हैं, जैसे विमान है, निदान है। तो आठ अंक बहुत स्नेह है, आठ अंक से चरक को क्या है, बहुत ज्यादा स्नेह है। स्नेह है यानी हम स्नेह लिखते ही उसके सामने 24 में आठ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और यही फिगर, दोनों फिगर सभी आचार्यों ने बताए हैं। प्रसव का बाह जो है जहाँ खत्म होता है वो बेरेचनिक सभी ने 24 बताए और स्नेह सभी ने 32 बताए। हमें केवल याद करना है प्रायोगिक जो सभी में अलग अलग बताए गए हैं। तो प्रायोगिक की संख्या जो है चरक में कितनी बताई है, 36। जैसे प्रायोगिक शब्द हम कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हमारी प्रायोगिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी की एग्जाम देते हैं अपन, लिखित परीक्षा देते हैं और एक प्रायोगिक परीक्षा होती है। तो चरक की जो प्रायोगिक परीक्षा है उसमें, तो चरक की प्रायोगिक परीक्षा होती है ना, चरक काय चिकित्सा में आते हैं। तो ऐसा याद करना है चरक की प्रायोगिक की परीक्षा में 36 का आंकड़ा है। बहुत ज्यादा डीप पूछते हैं तो लोगों से बनते नहीं है, 36 का आंकड़ा है प्रायोगिक में, 36 का आंकड़ा लेके चलते हैं चरक। सुश्रुत सर्जन है, सर्जन है, उसके अलावा उनमें शौर्य गुण है, खतरों से खेलते हैं, तो उन्होंने यह संख्या बढ़ा दी है, 36 की यहाँ कितनी कर दी है, 48 कर दी है। सुश्रुत में खासियत है हमेशा फिगर ज्यादा संख्या में मिलेंगे आपको। जो सर्जन होता है वो थोड़ा रिस्क लेता है, तो यहाँ पर रिस्क लिया है। ये धूमनेत्र आप देख रहे हैं, धूमनेत्र जो है आपको मैं चित्र में दिखा देता हूँ, यह दो धूमनेत्र आप देख सकते हैं। इसकी जो लंबाई है लगभग 24 अंगुल है, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है प्रसव में, है ना, आप देख सकते हैं चित्र में धूमनेत्र। धूमनेत्र जो है वो दो बित्था यानी कि 12 और 12 24 अंगुल से स्टार्ट किया है। प्रायोगिक की लंबाई जो है वो 48 मानते हैं सुश्रुत, क्योंकि वो खतरों से खेलते हैं, ठीक है, मतलब खतरा रिक्स उठाते हैं, तो उन्होंने रिक्स उठाया है, इसकी संख्या ज्यादा बताई है। अब जो अष्टांग संग्रह है और सारंगधर है, इसमें चूंकि ये ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, तो इनने जो मूल ग्रंथ है चरक सुश्रुत उसमें से बहुत सारी चीजों की नकल की है। जो व्यक्ति नकल करता है वह है, चूंकि उसे खुद नहीं मालूम है कि उसने क्या लिखा है, इसलिए वो याद रहे इसलिए राउंड फिगर ले लेता है। तो यहाँ पर याद रखना कि इन लोगों ने राउंड फिगर लिया है, चूंकि ये नकल की है इनने, है ना, चरक सुश्रुत को कॉपी किया है एक प्रकार से। तो कॉपी करने के कारण सारंगधर और बागभट्ट ने क्या है, राउंड फिगर ले लिया है, इसमें 40 है। तो फिर से देखते हैं, हमने ये समझा कि इन तीनों के नाम प्रायोगिक स्नेह को विरेचने के है, तो ये पास आओ वहां से प्रसव हो जाता है। तो प्रसव जो है वो इंडिया में 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, सभी ने प्रसव यानी जो प्रसव में बाह है विरेचने की संख्या 24 बताई है। प्रसव के बाद में स्नेह होता है जो भी पैदा होता है, तो यहाँ पर स्नेह चरक को आठ संख्या से है, तो इसमें आठ प्लस हो जाते हैं यानी 24 में आठ जोड़ते हैं तो 32 हो जाते हैं। फिर प्रायोगिक परीक्षा आप सभी ने दी है, तो चरक की प्रायोगिक की परीक्षा से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो पूरी चरक याद नहीं होती है, चरक में 36 है। सुश्रुत में जो है वो चूंकि सर्जरी है, तो सर्जरी में प्रायोगिक परीक्षा में प्रैक्टिकल भी करा के देना पड़ेगा, तो थोड़ा और ज्यादा संख्या बताइए कितना, 48 बताइए। सुश्रुत के अलावा सारंगधर ने और बागभट्ट ने, चूंकि ये दोनों ने बात के आचार्य हैं, ये नकल करेंगे मूल ग्रंथ में से लिखेंगे, तो इन्होंने राउंड फिगर बताया है कि कितनी संख्या होती है, 40 होती है। अब मैंने आपको चित्र में दिखाया है कि यह धूम नेत्र है, देख सकते हैं इस टाइप से धूम नेत्र होता है, इसके माध्यम से हम धूमपान करेंगे। तो किसी पेशेंट को खांसी आती, तो खांसी आने के लिए उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप धूमपान करो,
तो आपका ये खांसी के बाद में जो गले में कफ होता है वो ठीक हो जाएगा। तो उसने पूछा कि कितना धूम्रपान करना है, उन्होंने कहा आप तो 24 घंटे करना है। बोले हाँ आप 24 घंटे कर सकते हो। तो मरीज ने कहा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सोता हूँ, तो 8 घंटे मतलब जो नींद के 8 घंटे हटा के बाकी घंटे धूम्रपान कर सकते हो। तो यहाँ पर 24 में से हमने कितने घटा दिए, -8 घटा दिए काशग्न और बमनी में। इसलिए काशग्न और बमनी के कितने होते हैं, 16, ऐसा याद करना है। खांसी हो रही है, बमन हो रहा है, तो बाकी समय धूम्रपान करोगे सोने के टाइम के अलावा, तो सोने के टाइम के अलावा तो -8 हो रहा है यहाँ पर, वहां पर ने +8 किया था, यहाँ -8 करना है। इन दोनों में यहाँ -8 करना है, 24 घंटे में से यहाँ +8 किया था, यहाँ -8 करना है। तो ऐसे करके काशग्न बमनी -8 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 16। अब सारंगधन में जाते हैं, तो सारंगधन ने चूंकि व्रण धूपन एक अलग से भेद माना है, तो सबसे पहले व्रण धूपन बताया, तो अपन ने यहाँ पर 10 में से 10 अंक इनको दे दिए, 10 में से 10 अंक दे दिए, है ना। किसी ने कहा है कि क्यों दे दिए, तो अपन ने कहा ये अपन ने किसको दिए हैं 10 अंक, तो अपन ने कहा सारंगधर बाबा को दिए हैं, सारंगधर बाबा को हमने 10 अंक दिए हैं। तो सारंगधर बाबा यानी सारंगधर में बामनी और व्रण धूपन ये दो है, कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। बाकी ये काशाग्न जो है वो दोनों में सेम चलता है, 16 16, यहाँ 10 में से 10 नंबर दिलाए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बामनी और व्रण धूपन कितने हैं, 10 10 हैं। ठीक है, अब हम इस चार्ट को जब याद करते हैं तो कई जगह स्नेह लिखा रहता है, कई जगह मधु लिखा रहता है, कई जगह ब्रह्मण लिखा रहता है, तो इनके ये एक दूसरे के पर्याय हैं, तो पर्याय याद कर लेते हैं। ये जो पर्याय हैं वो अष्टांग संग्रह में बताए गए हैं, सूत स्थान के अध्याय 30 में, अष्टांग संग्रह में भी हैं और सारंगधर में भी सेम कॉपी की गई है, तो इनको याद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करेंगे उस पर देखते हैं। तो जो समन होता है, जो समन धूमपान है, उसी के भेद होते हैं प्रायोगिक और मध्य। तो इसको ऐसा याद करेंगे, समन मतलब समन चिकित्सा, समन चिकित्सा करना यानी हम किसी को दवाई देना चाहते हैं तो पहले हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये लिख के देते हैं उसको, अगर अम्लपित्त हो रहा है तो उसको आवेपत्ति का चूर्ण से ठीक होगा कि नहीं होगा, आवेपत्ति का से नहीं होगा तो भुनिम आदि देंगे। मतलब समन चिकित्सा जो होती है वो प्रायोगिक का प्रयोग करने का माध्यम होती है, प्रयोग करने का क्या होती है, समन चिकित्सा प्रयोग करने का माध्यम होती है। ऐसा करके याद करना है कि समन चिकित्सा प्रयोग करने का माध्यम होती है, समन चिकित्सा है प्रयोग करने का माध्यम, प्रायोगिक समन और मध्य एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर छोटे बच्चों में जब हम व्रंगन कराना चाहते हैं तो उनकी क्या करते हैं, मृदु स्नेहन कराते हैं, तो मालिश कराते हैं तेल से, तो उनमें छोटे बच्चे जो है उनमें क्या होने लगता है, व्रंगन होने लगता है, मतलब है ना, उनका वजन जो है बढ़ने लगता है। तो मृदु स्नेहन से क्या होता है, व्रंगण होता है हमारे शरीर में जो है, छोटे बच्चों में हम करके देखते हैं, डाबर लाल तेल है ना, बहुत सारे तेल आते हैं उनसे मालिश करते हैं, तो उसमें बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, यानी बच्चों में क्या होता है, व्रंगण होता है। तो मृदु स्नेहन करने से बच्चों में क्या होता है, व्रंगण। फिर तीक्ष्ण और शोधन रेचन के पर्याय हैं। तो एक होता है शब्द सरनसनसन, सरनसनसन शब्द आपने सुना होगा है ना, सरनसनसन शब्द जो होता है उसका मतलब होता है मृदु विरेचन, ठीक है, सरनसनसन शब्द का मतलब होता है मृदु विरेचन, और यहाँ पर जो शब्द है तीक्ष्ण शब्द है वो है रेचन। तो तीक्ष्ण शोधन यानी रेचन, तीक्ष्ण शोधन करना मतलब रेचन करना, तो रेचन क्या होता है, तीक्ष्ण शोधन, रेचन क्या होता है, तीक्ष्ण शोधन करके ऐसा पर्याय, इसका हम ध्यान रखेंगे। तो तीक्ष्ण की जगह हम रेचन शब्द यूज कर सकते हैं, मृदु की जगह हम प्रंगण शब्द यूज कर सकते हैं, ये हमें अब समझ में आ जाएगा जब हम पर्याय याद करते हैं। तो पर्याय याद किया हमने कि समन जो चिकित्सा होती है वो प्रयोग करने का माध्यम होती है, मृदु स्नेहन करने से भ्रंगण होता है, और रेचन का मतलब होता है तीक्ष्ण शोधन। अगर हम इन शब्दों को याद कर लेते हैं तो हमें पर्याय याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा इसमें लिखा है कि सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह में व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी गई है। तो हम सभी जानते हैं कि सुश्रुत में और अष्टांग में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। बुक में देखेंगे तो बुक में अष्टांग यानी बागवत में 10 अंगुल लिखा है तो वो गलत है, उसको आप जो है वो बिल्कुल उसमें गलत रॉन्ग दिया हुआ है, श्लोक भी इसलिए मैंने लिखा हुआ है, जो भी मैं नीले कलर से लिखूंगा इसका मतलब वो है मैंने एक्स्ट्रा उसमें एक प्रकार से आप समझ लें प्रति संस्कार किया है, जो उसमें गलत था उसको सुधारा है,
व्रण धूम्रार्थे अष्टांगुल कलाय परिमंडलम कुलत्त बाही सोरुतम, ऐसा जो है अष्टांग संग्रह ने कहा है। तो सुश्रुत में और अष्टांग ने व्रत व्रण धूपन नेत्र की लंबाई जो है कितनी मानी है, 8 अंगुल मानी है। ठीक है, 8 अंगुल मानी। केवल हम सारंगधर जो है, सारंगधर स्पेशल थे, तो सारंगधर को हमने कितने नंबर दिए हैं, 10 में से 10 नंबर दिए हैं। सारंगधर को हमने एक्स्ट्रा बताने के लिए कितने में से कितने नंबर दिए हैं, 10 में से 10 नंबर दिए हैं, ऐसा हमें याद रखना है। तो आपको बिल्कुल भी भूलेगा नहीं कि सारंगधर में 10 है, बाकी सुश्रुत में अष्टांग में कितना है, 8 अंगुल है, ये ऐसा आपको याद रह जाएगा। भागवत में, भागवत के अनुसार जो है व्रण धूपन नेत्र की लंबाई 10 अंगुल होती है, ये जो है वो गाइड में गलत लिखा हुआ है, इसको आप सुधार सकते हैं। और जो भी चीज सुधारने योग्य होगी वो मेरे द्वारा इसमें ब्लू कलर से लिखी जाएगी। अब बढ़ते हैं इसके आगे, प्रायोगिक धूमपान के काल। तो प्रायोगिक धूमपान के काल जो है वो चरक में 8 बताए गए हैं। चरक संहिता में जितने भी चीजें चरक को द्वारा बताई जाती हैं, वो ज्यादातर उनकी संख्या जो है वो 8 ही रखते हैं चरक, वो ये उनका ये मतलब उनका शुभ अंक है एक प्रकार से उनके लिए। तो प्रायोगिक धूमपान जो है वो हम पढ़ेंगे, तो स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए। तो हम इसको याद रखने का तरीका कि चरक में जब प्रायोगिक धूमपान के काल बताए गए हैं तो कौन से चैप्टर में बताए गए हैं, तो 5वें चैप्टर में बताए गए हैं। तो 5वां चैप्टर जो है वो मात्रा स्थिति अध्याय है, इसमें दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो दिनचर्या वाले जो दिनचर्या वाला जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत जो है चरक में धूमपान बताया गया है। तो दिनचर्या की शुरुआत से याद करते हैं कि दिनचर्या में सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति नींद लेता है, फिर वो जागरण होता है, जागरण करने के बाद में चरक क्या बताते हैं, अंजन करने को बोलते हैं, उसके बाद में नस का वर्णन है चरक संहिता में चैप्टर में इसी, नस के बाद में वो दातुन करने के लिए बोलते हैं, दातुन के बाद स्नान करने के लिए बोलते हैं, फिर भोजन करने के लिए बोलते हैं कि उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। केवल दो नई चीजें हैं, एक तो बमन और दूसरा छबदू। तो बमन के लिए श्लोक में सम उल्लिख्य शब्द लिखा हुआ है, ये तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। बमन के लिए जो है क्या शब्द लिखा हुआ है, सम उल्लिख्य, बमन के लिए सम उल्लिख्य शब्द लिखा हुआ है, उल्टी उल्लेखन से मिलता जुलता है शब्द उल्लिख, सम उल्लिख शब्द लिखा हुआ है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। सम उल्लिख शब्द लिखा हुआ है और छब्दू लिखा हुआ है। और भोजन के लिए भोजत्वा, ऐसे टिपिकल संस्कृत है इसलिए हिंदी में आने की संभावना कम है, तो ऐसे याद करना है, संख्या याद रखना है, एग्जाम में यही ज्यादा आती है कि चरक में जो प्रायोगिक धूमपान के काल कितने बताए हैं, 8 बताए हैं, और 8 जो है कौन से चैप्टर में बताए हैं उनने, जो आपके मात्रा स्थिति अध्याय में बताए हैं जिसमें दिनचर्या का वर्णन है। तो दिनचर्या का शुरुआत कैसे होती है, व्यक्ति सो के उठता है तो निद्रा, नींद लेने के बाद में फिर सबसे पहले चरक में आता है अंजन, अंजन के बाद नस बताया गया है, धातुन बताई गई है, स्नान भोजन बताई गई है, दो स्पेशल हैं, एक तो छींकने के बाद और दूसरा बमन के बाद, दोनों में ही गले में थोड़ा कफ रहेगा उसको निकालने के लिए धूमपान करते हैं। अब आते हैं अष्टांग संग्रह में, तो अष्टांग संग्रह में धूमपान की संख्या जो है वो कितनी बताई गई है, 24 बताई गई है, यानी वो तो बूढ़ा व्यक्ति तो हमेशा ही धूमपान करने के लिए बैठा रहता है, तो 24 घंटे धूमपान करने के लिए तैयार बैठे हैं अष्टांग संग्रह यानी वृद्ध बागभट्ट। प्रायोगिक धूमपान इसमें उन्होंने 8 बताए हैं, तो प्रायोगिक धूमपान चरक के समान ही बताए, जैसे चरक 8 मानते हैं वैसे अष्टांग संग्रह ने भी 8 ही माने, मतलब उन्होंने हाथ जोड़ के बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, प्रायोगिक जो है 8 होते हैं। स्नेक जो है वो जो है कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब स्नेह में स्नेक, स्नेह का प्रयोग होगा, मतलब स्नेह यानी तेल मिलेगा, तो अष्टांग संग्रहकार ने एक से एक स्नेह का संग्रह कर रखा है, ऐसा याद करना है। अष्टांग संग्रहकार ने क्या कर रखा है, स्नेहों का संग्रह कर रखा है, एक से एक स्नेहों का संग्रह कर रहा है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, राई का तेल है, सबका तेलों का एक से एक संग्रह कर रखा है, यानी कि अष्टांग संग्रह में स्नेह जो है एक से एक यानी 11 है बताए गए हैं। फिर 8 11 को जोड़ के अपन 24 में घटा देंगे तो विरेचने की संख्या अपने आप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी 5। ये सब चीजें जो है हमें संदर्भ मालूम होना चाहिए, अष्टांग संग्रह सूत अध्याय 30 में बताए गए हैं, सूत स्थान का अलग चैप्टर है, धूमपान का 30 में बताया है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में टोटल 12 बताए, यानी इसका हाफ जो है, इसका हाफ हाँ आधा बताया है, 12 बताए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास 12 चीजें हैं और उसको 3 व्यक्तियों के बीच में बराबर बांटना है तो वो क्या देगा, 4 4 4,
सभी को चार चार मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रायोगिक तो चार बताए गए। स्नेह स्नेह में ज्यादा स्नेह कर लिया, ज्यादा स्नेह हो गया, तो ज्यादा स्नेह होने से कितना हो गए, +1 हो गए, है ना। किसी से अपन ज्यादा स्नेह कहते हैं करते हैं तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो यहाँ पर +1 हो गया, स्नेह जो है +1 हो गया, नहीं 5। और विरेचनिक जो है बेचारा बुरा बन गया, भा से विरेचनिक, भा से बुरा, ये बुरा है जो जिससे बुराई होती है उसको कम देते हैं, तो यहाँ विरेचनिक में -1 हो गया, 3। तो ऐसे याद करना है कि सुश्रुत में टोटल 12 बताए गए हैं, सभी के चार 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 होने चाहिए थे, लेकिन प्रायोगिक के चार हैं, स्नेक से ज्यादा स्नेक आ गया तो उसमें 5 है, और विरेचनिक बुरा हो गया तो उसके 1 है, ऐसा या मतलब 1 कम है, विरेचनिक में 3 बताए हैं, ऐसा हमें याद करना है। अब ज्यादातर एग्जाम्स में इनकी संख्या ही आती है, इनके अंदर का डिटेल नहीं आता है, फिर भी मैं आपको याद करा देता हूँ। प्रायोगिक धूम्रपान किसको करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, दिनचर्या का पालन करता है। तो सुश्रुत संहिता में सबसे पहले दिनचर्या जो है दंत पवन यानी दंत प्रक्षालन से चालू होती है, तो पहला दंत प्रक्षालन, उसके बाद में दांत दांतुन करने के बाद व्यक्ति स्नान करेगा, भोजन करेगा, उसके बाद में जो है शस्त्र कर्म करने चला जाएगा वो, क्योंकि सुश्रुत सर्जन है तो दिनचर्या में क्या होगा, डेली उनको शस्त्र कर्म करना है, तो डेली शस्त्र कर्म करना है तो दिनचर्या में शस्त्र कर्म आ जाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति के जो प्रायोगिक धूमपान, उसके काल जो है दिनचर्या से याद रखने हैं कि सबसे पहले दातुन करेंगे, दातुन करने के बाद में स्नान, स्नान के बाद भोजन, फिर शस्त्र काम करने अपना ऑफिस चले जाएंगे। तो ये प्रायोगिक के हो गए। स्नेह 5 होते हैं। स्नेह जो होती है वो किसकी चिकित्सा होती है, वात की चिकित्सा होती है। हमारे शरीर में वात बढ़ता है तो फिर उसमें हम स्नेह चिकित्सा करते हैं। तो जब हम शरीर में वेग धारण करते हैं, जैसे मूत्र का वेग धारण करते हैं, मैथुन का वेग धारण करते हैं, छब्दू का वेग धारण करते हैं, ये सब तीनों अधारणी वेगों में आते हैं। अधारणी वेग धारण करने से शरीर में वात की वृद्धि होती है, और ज्यादा हंसने या क्रोध करना ये धारणी वेगों में आता है। तो धारणी अधारणी वेग जो है, कह धारणी अधारणी वेग के बारे में किस में बताए गए हैं, स्नेह में बताए गए हैं, ऐसा हमें याद रखना है। इसमें धारणीय धारणी वेग वाले आते हैं। धारणीय धारणी वेग धारण करने से वात की वृद्धि होगी, वात के समन के लिए हम क्या करेंगे, स्नेहन कराएंगे। फिर आप विरेचन, विरेचनिक में 3 ही होते हैं, तो अगर अपन ने दिन में जो है स्नान करके दिन में सो लिया, उसके बाद में नंबर लेट लगा तो भवन कराने पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा, भवन की जगह क्या हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। ऐसा जैसे अपन को बमन कराना था तो अपन बमन कराने के लिए वो सुबह सुबह बुलाते हैं, सुबह आ जाना, लेकिन अपन ने सुबह स्नान करके दिन में सो लिया, उसके बाद में फिर बमन कराने पहुंचे, छर्दी कराने पहुंचे, तो फिर वो छर्दी न होके क्या हो जाएगा, विरेचनिक हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। ऐसा याद करके हमें ध्यान रखना है, विरेचनिक हो जाएगा। तो विरेचनिक में आता है स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के बाद जो है विरेचनिक धूमपान किया जाता है, ऐसा करके याद करना है। एक बार फिर से समझते हैं कि प्रायोगिक, स्नेह और विरेचनिक तीनों बराबर होना चाहिए। तो प्रायोगिक तो 4 है, स्नेह से स्नेह अधिक हो गया तो 1 बढ़ गया, विरेचनिक में बुरा हो गया तो 1 कम हो गया, स्नेह 5 है, विरेचनिक 3 है। प्रायोगिक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति दिनचर्या होती है, दिनचर्या में सुश्रुत स्टार्ट करते हैं दातुन से, दंत प्रक्षालन बताया, उसके बाद नहाएंगे, स्नान करेंगे, भोजन करेंगे, उसके बाद में शस्त्र काम करने चले जाएंगे। तो ये प्रायोगिक के 4 हैं। स्नेहन में स्नेह जो है बात की चिकित्सा होती है, धारणीय धारणी वेग जो जिसमें आते हैं उसमें स्नेह धूमपान किया जाता है, जैसे मूत्र का वेग रोकना, मैथुन का, जबदू, हंसना, क्रोध, ये जो है इनमें स्नेह धूमपान किया जाएगा। और विरेचनिक धूमपान कब किया जाएगा, जब आपको सुबह बुलाया था भवन के लिए, छर्दी के लिए, लेकिन आप स्नान करके सो गए और वह बाद में आए तो आपको छर्दी के यहाँ विरेचन हो जाएगा। विरेचनिक में आता है स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी। फिर बढ़ते हैं निद्रा के भेदों में, बताएं इसी पेज में, पहले ही पेज में, पेज छोटा है लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो निद्रा के भेदों में चरक ने निद्रा के जो भेद बताए वो 6 बताए हैं। तमोभवा, तम से जो उत्पन्न होती है वो तमोभवा कहलाती है। श्लेष्मोद्भवा यानी कब से पैदा होने वाली। मन शरीर संभवा यानी जो मन और शरीर के श्रम से पैदा हुई है, यानी मेंटल और फिजिकल एक्जर्शन से पैदा हुई है। आगुंतनी यानी कि किसी कारण से आने वाली, और व्याधि निवर्तनी यानी व्याधि के कारण आने वाली, और राति स्वभा प्रभा
जो रात को सभी को नींद आती है। तो चरक में जो रात्रि स्वभाव प्रभा नेत्रा है उसी को भूत धात्री कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि रात्रि प्रभा को क्या कहते हैं। रात को सभी का स्वभाव होता है, सभी में स्वभाव शब्द यूज करेंगे, ये भूत धात्री होती है, यानी कि सभी जो प्राणी जो इस संसार में है उनको सुलाने के लिए आती है। निद्रा के जो भेद हैं वो चरक संहिता में चरक सूत्र अध्याय 21वां अध्याय है उसमें बताए गए हैं। 21वां अध्याय जो है अष्टोनिंदित अध्याय है, इसमें अष्ट निंदित पुरुष में अति स्थूल अति क्रस बताए गए हैं। तो अति क्रस की चिकित्सा में उन्होंने बोला है निद्रा, सम्यक निद्रा का सेवन करना चाहिए, निद्रा लेना चाहिए। इसीलिए अष्टोनिंदित अध्याय में चरक में निद्रा के भेद बताए गए हैं। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए चरक में निद्रा के भेद कहाँ बताए गए हैं। तो अष्टोनिंदित अध्याय में बताए गए हैं क्योंकि वहां अतिक्रस की चिकित्सा में निद्रा बताई गई है। फिर दूसरी जो है तमोपमा, जो निद्रा होती है वो पापों का मूल है, सभी को अपने पापों की सजा मिलती है, यानी सभी की जो है क्या होती है, मृत्यु होती है। तो मृत्यु के समय चरक में बताया, मृत्यु के समय आने वाली, सुषुप्त में बताया प्रलय के समय आने वाली जो जो निद्रा है वो तमोपमा निद्रा है। तो एक जो है अपन डेली सोते हैं और एक हमेशा के लिए सोते हैं, जो हमेशा के लिए सो जाते हैं वो तमोभवा है, जो हमेशा के लिए सुलाने वाली निद्रा होती है वो तमोभवा निद्रा होती है। इसके अलावा जो चार बची जो निद्राएं श्लेष समुद्भवा मनासनी संभवा आगुंतनी व्याधिनी बढ़ती है, ये व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं। तो चरक संहिता में जो छह निद्राएं बताई गई उसमें से कितनी व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं, तो चार निद्राएं जो है व्याधि को निर्दिष्ट करती हैं। इसके अलावा और किसी कारण से व्यक्ति सोता हुआ मिलेगा, इसका मतलब है वो बीमार है ना, रात में सो रहा है, हमेशा के लिए सो रहा है, वो बात अलग है। इसके अलावा कभी और सो रहा है और टाइम में, तो वो व्याधि को निर्दिष्ट कर देती है। सुश्रुत ने इन्हीं छह निद्राओं को थोड़ा शॉर्ट में बताया, सा से सुश्रुत आता है और सा से ही शब्द आता है शॉर्ट। शॉर्ट में समझा दिया है ना, शॉर्ट में समझाया है कि देखो जो रात्रि स्वभाव प्रभा है उसी को उन्होंने वैष्णवी कह दिया, उसी को पापमा बोला, उसी को स्वभाव भात बोला है। तो जो रात में आने वाली स्वभाव से आने वाली जो निद्रा है उसी को वैष्णवी बोला। तो यहाँ पर वैष्णवी शब्द आता है, वैष्णवी जो माता है वो पापियों को स्वभाव से पापियों को मौत की नींद सुलाने वाली होती है, सभी को जो है खत्म करने वाली होती है। तो वैष्णवी पापियों को स्वभाव से मानने वाली है, ऐसा करके याद करना है। तामसी अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि वो तमोभवा होती है और मृत्यु के समय यानी प्रलय के समय आती है। इसी किसको कम मानना है किसी को ज्ञात नहीं रहता है। तो सुश्रुत ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया है तामसी के लिए, अन अवबोधनी, अन अवबोधनी, ये अन अवबोधनी यानी प्रलय कब आएगा किसी को नहीं मालूम, उससे याद करना है कि जो है यहाँ पर अनावोधनी शब्द यूज किया है सुश्रुत में। शॉर्ट कर दिया यानी कि जो रात्रि सुबह प्रभा थी उसको वैष्णवी बोल दिया, और जो तमोभवा था उसको तामसी बोल दिया, अनावोधनी। ये निद्राएं जो है सुश्रुत संहिता में सारी स्थान की चौथे अध्याय में बताई गई। तो चरक में तो जो है सूत स्थान में है, लेकिन सुश्रुत में सारी स्थान में बताई गई है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और बाकी सब विकार को यानी व्याधि को निर्दिष्ट करती थी, इसलिए वो बाकी सबका नाम जो है वो क्या रखा गया है, बेकार की रखा गया है, क्योंकि बाकी चार को चरक ने व्याधि जन बोला था, तो इसलिए सुश्रुत ने उनको एक ही नाम दे दिया बेकार की। जो बागवट है वो उनने सात बताई, उनने थोड़ा बा से बागवट होता है, बा से बागवट, बा से विस्तृत, थोड़ा विस्तृत इसका वर्णन कर दिया है, विस्तृत उसको बताया है, विस्तृत वर्णन किया है कि छह को हम सात कर सकते हैं। जैसे शरीर यहाँ पर मना और शरीर संभवा था, श्रम संभवा था, मना शरीर संभवा, उसी को जो है वाग्भट ने चित्रखेद और देहखेद दो अलग में विभाजित करके बताया कि जो आईएस होता है वो मेंटल एग्जर्शन से उसको नींद आती है, और एक जो लेबर वर्क होता है उसको फिजिकल एग्जर्शन से नींद आती है। तो इसलिए बागवट में चित्त खेद और देह खेद करके विस्तृत कर दिया गया, यानी छह की जगह सात बताए गए हैं। और जो रात्रि है उसको रात्रि काल, रात्रि काल यानी कि रात्रि की जगह काल स्वभाव शब्द का यूज किया है। ये अंतर है दोनों में कि चरक में रात्रि स्वभाव लिखा है और बागवट में रात्रि की जगह काल स्वभाव बताया गया है। तो
कुल मिला के चरक ने 6 निद्राएं बताई हैं, सुश्रुत ने शॉर्ट में 3 बताई हैं, उन्हीं को शॉर्ट में 3 किया है, और भागवत ने उन्हीं 6 निद्राओं को और साथ में विस्तृत बताया है। विस्तृत बताया यानी चित्त खेद और देह खेद करके अलग अलग बताया है। कहाँ बताया? अष्टांग संग्रह सूत अध्याय 9 में इनका वर्णन किया है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। अष्टांग संग्रह 9 में ये बताई गई है। इसी पेज पे दही के भेद बताए गए हैं, दही सुश्रुत ने 7 बताए हैं। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि दही अभिसंधि होता है और विष की चिकित्सा में भी आता है, तो सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं। सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं, सुश्रुत दही अपने साथ रखते हैं। और भाव प्रकाश में ऐसा याद कर सकते हैं कि जो प्रकाश है वो 5 बजे से 5 AM पर प्रकाश आना चालू हो जाता है। तो भाव प्रकाश में दही के भेद 5 हैं और सुश्रुत अपने साथ रखते हैं, तो उसमें 7 बताए गए हैं। फिर आते हैं आधारणी वेगों में। तो चरक में आधारणी वेग जो है सूत स्थान के 7वें अध्याय में है, ना बेगान धारणी अध्याय है, उसमें 13 बताए गए हैं। भागवत में भी 13 है। संख्या में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, 13 14, लेकिन श्लोक में कहीं पर भी चतुर्दश या त्रयोदश ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया है, तो हम 13 मान रहे हैं क्योंकि भागवत ने लिखा है बेगान ना धारियत बात मूत्र छब तृण छेदाम निद्रा का श्रम श्वास जम्बा अश्रु छर्दी रेत साम। ऐसे करके श्लोक को अगर अपन को काउंट करते हैं तो वात 1, बिड 2, मूत्र 3, छब 4, तृण 5, छुदाम 6, निद्रा 7, कांस 8। तो ये कांस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि कांस को जो है किसने आधारणी वेग माना है, उसका आंसर एक ही निकलेगा कि किसने माना है, भागवत ने माना है ना। 8 के बाद 9 श्रम श्वास, 10 जम्बा अश्रु, 11 छर्दी, 12 और ये 13। टोटल 13 होते हैं, लेकिन जब इनका वर्णन करने गए हैं भागवत, तो वर्णन करते समय ये जो बात जो पहला बात बताया है इसको 2 वायु बताई, एक अपान वायु मतलब अधो वायु, एक ऊर्ध वायु उद्गार, ऐसे करके उनने जो बात है उसका डिवीजन 2 में करके वर्णन, अगर हम वर्णन को गिनेंगे तो उसमें 14 आते हैं और श्लोक को गिनते हैं तो उसमें 13 आते हैं। कहीं पर भी संख्या शब्द श्लोक में नहीं आती है। तो क्या अलग है? तो कांस एक्स्ट्रा बताया है भागवत ने चरक की तुलना में। चरक में उद्गार है, उद्गार की जगह जो है भागवत ने किसको बताया? कांस को बताया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कांस को वेग किसने माना है, कांस को वेग किसने माना है, तो वो भागवत ने माना है। ये क्वेश्चन केवल भागवत के नाम से ही है, भागवत के नाम से ही सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पेज पढ़ा अपन। अब दूसरे पेज में आते हैं। तो दूसरे पेज में तुलनात्मक अध्ययन में स्नेह की प्रवचारणाएं बताई गई हैं। तो चरक में है 24, इसने एक ऐसी चीज है जो अपने घर में 24 घंटे अवेलेबल रहता है, मतलब सबके घर में तेल घी वगैरह तो होता ही होता है, तो 24 घंटे अवेलेबल है। चरक में 24 की संख्या बताई गई है। कहाँ बताई गई है? तो जो चरक सूत्र अध्याय 13 है, स्नेह अध्याय जो है उसमें स्नेह की प्रवचारणाएं बताई गई है। प्रवचारणा का मतलब क्या होता है कि जो स्नेह है, तेल है, घी है, इसको किसी खाद्य पदार्थ के साथ में इनका सेवन करना। जैसे जब मूंग का हलवा बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी लगता है, दाल बाटी बनाते हैं तो उसमें घी लगता है, तो ऐसे ही कल्पनाएं क्या कहलाती हैं? प्रवचारणाएं कहलाती हैं। चरक में इसमें इनकी संख्या 24 है, काश्यप में 20 है, क्योंकि बच्चों को हर चीज नहीं खिलाई जा सकती, बच्चों में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको अपन कई हैवी चीजें नहीं खिलाते हैं, इसलिए काश्यप में संख्या घट गई है। कितनी बताइए? 20। और काश्यप में ये जो स्नेह की प्रवचारणा है, स्नेह अध्याय में बताई गई है, वो काश्यप का सूत स्थान का जो अध्याय है 22, तो ये रेफरेंस यहाँ रखना है, सूत स्थान का अध्याय 22 है, उसमें बताई गई है। रसों के संयोग से अगर आपसे पूछते हैं कि रसों के संयोग से कितनी होती, तब आंसर अलग हो जाता है। रसों के संयोग से पूछते तो 64 होती है, तो यहाँ रस जो है वो कितने होते हैं? रस रस की संख्या अगर आपसे पूछे कोई तो कितने, अगर आपसे पूछे कोई रस की संख्या कितनी होती है तो आप कितने बताओगे? 6। 6 रस होते हैं, ठीक है, 6 रस होते हैं, आप ये बोलोगे 6 रस होते हैं। फिर आपसे कोई बोले कि स्नेह कितने होते हैं, है ना, स्नेह कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4। गृह तेल बसा मज्जा स्नेह विदो चतुर्विदा, गृह तेल बसा मज्जा स्नेह विदो चतुर्विदा। तो रसों के संयोग से 64 होती है, ऐसा करके आप उसको याद कर सकते हो। इन 64 में रसों के संयोग से 63 होती है और एक अच्छपान होती है ना, अच्छपान को ही प्रथम कल्पना कहते हैं, तो ऐसा भी हमें मालूम होना चाहिए जो यहाँ पर लिखा नहीं है,
कि रसों के संयोग से 64 होती है, उसमें 63 संयोग से होती है और एक अक्षपान होता है। फिर आते हैं स्वेदन के भेदों में, तो सागनी स्वेद जो है वो चरक संहिता में 13 बताए गए हैं, स्वेदन का एक चैप्टर ही है सूत्रस्थान में 14वां। इसके अलावा काश्यप में जो है स्वेदन के जो भेद बताए गए हैं वो 8 बताए गए हैं। बच्चों में सारे स्वेद नहीं करा सकते हैं, कुटिया वगैरह में नहीं भेज सकते बच्चों को, तो वहां पर स्वेद के भेद 8 बताए गए हैं। सुश्रुत भागवत में जो है कम बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं, ताप उष्ण द्रव और उपनाप। तो ये भेद एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कितने होते हैं, तो चरक में 13 होते हैं, ये मालूम होना चाहिए हमें। चरक में 14वां अध्याय सूत्रस्थान का वहां पर 13 बताए गए हैं, काश्यप में 8 बताए गए हैं, सुश्रुत भागवत में कितने बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। सुश्रुत भागवत का भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। ताप उष्म द्रव और उपना, ये चार जो नाम है हमें मालूम होना चाहिए। ताप ताप के माध्यम, टेम्परेचर के माध्यम से, ऊष्मा के माध्यम से, किसी द्रव के माध्यम से, उपना बांधने से जो है स्वेदन होता है। निराग्नि स्वेद बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। निराग्नि स्वेद की संख्या जो है चरक में कितनी बताई गई है, 10। चरक में श्लोक में 10 आता है, संख्या ध्यान रखनी है। नाम यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, लेकिन नाम अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा और हम ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कौन सा निराग्नि स्वेद में आता है कौन सा नहीं आता। तो इनके नाम याद करते हैं, नाम याद कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। किसी व्यक्ति को हमने बोला कि आपने निराग्नि स्वेद कैसे करोगे, तो उसने कहा व्यायाम कर लो, आपको बिना अग्नि के जो है पसीना आ जाएगा, ये सभी लोग बोलते हैं। तो इस श्लोक को याद करते हैं, व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावरणम क्षुधा बहुपानम भय क्रोध उपना आहव आत्वा। तो किसी व्यक्ति को हमने कहा कि आपको निराग्नि स्वेद करना है, तो उसने कहा है कि आप व्यायाम करोगे ना, तो व्यायाम करने से आपको वो उष्ण उष्ण यानी बहुत तेज से गुरु यानी ज्यादा बहुत भारी जो है क्षुधा यानी भूख लगेगी। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने बहुत व्यायाम किया उष्ण, उससे उसको व्यायाम की उष्णता से क्या लगी, गुरु क्षुधा यानी बहुत ज्यादा भूख लगी। एक व्यक्ति ने व्यायाम किया उसकी उष्णता से उसको बहुत ज्यादा गुरु क्षुधा लगी। आमतौर पे जो भी व्यायाम करते हैं वो अपने साथ पीने के लिए प्रोटीन पाउडर रखते हैं, लेकिन किसी ने इसकी बोतल चेंज कर दी और बोतल चेंज करने पर इसने गलती से बोतल की जगह क्या पी लिया, अल्कोहल पी लिया, बहुत सारा अल्कोहल पी लिया प्रोटीन समझ के बहुपान। तो जैसे ही इसने अल्कोहल पिया, सबसे पहले इसको भय यानी ये डर गया कि मैंने गलती से शराब पी ली, अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी अम्मा जो है वो मुझे बहुत मारेगी, गुस्सा करेगी। तो भय, इसके अंदर भय व्याप्त हुआ, किसका भय, क्रोध का, क्रोध का, क्रोध का, किसके क्रोध का, उसकी, उपनाम में ऊ आता है, तो उसकी अपनी अम्मा का क्रोध का, कि वो तपा तपा के मारेगी, तपा तपा के पिटाई करेगी, उसकी अपनी अम्मा का, उसको क्रोध का भय उसके अंदर आ गया। तो ऐसे याद करना है निराग्नि स्वेद कि व्यायाम करने से उष्ण और गुरु क्षुधा पैदा हो गई शरीर में, गर्मी पैदा हुई उससे गुरु क्षुधा पैदा हुई, उसको दूर करने के लिए व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक अपनी जो मतलब जो प्रोटीन पाउडर है ड्रिंक उठाया, उसमें किसी ने बदल दिया, बदलने से उसमें शराब भर दी, शराब भरने पर उसने जब बहुत शराब पी ली बहुपान जल्दी जल्दी में, तो उसको भय व्याप्त हुआ कि अब उसकी उसकी अम्मा उस पर क्रोध करेगी, वो तपा तपा के मारेगी, आहा और आतप जो है वो निराग्नि स्वेद में आते हैं। ऐसे करके आप इनको याद कर सकते हो। सुश्रुत में निराग्नि स्वेद के 8 भेद बताए गए हैं, इसमें सबसे पहला आता है व्यायाम, व्यायाम निवात आतप गुरु प्रवणम नियुद्ध अमर्ष अद्व और भार उठाना, इनको गिनने पर संख्या 8 होती है, तो ये संख्या 8 याद रखना है, सुश्रुत में 8 है। अब सुश्रुत को कैसे याद करने है वो मैं बता देता हूँ कि सुश्रुत में याद करने का तरीका है कि जैसे कहा है कि व्यायाम से नहीं, व्यायाम नहीं, व्यायाम नहीं किया उन्होंने, व्यायाम से नहीं, अपने आत्म यानी अपने गुरु, गुरु से युद्ध, गुरु से क्या किया, अपने गुरु से युद्ध किया और उससे अपना अपना जो है भार उठाकर युद्ध किया, मतलब जैसे मतलब एक दूसरे को उठाने का कंपटीशन चलता है कि मेरे को गोदी में उठा के बताओ या मुझे पूरा ऊपर लिफ्ट करके बताओ, तो उसमें भी व्यक्ति की बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो व्यायाम नहीं किया मतलब एक्सरसाइज नहीं किया, कंपटीशन हुआ कि कौन किसको उठा पाता है, तो
सुश्रुत को पसीना कैसे आया? बिना व्यायाम किए, व्यायाम से नहीं, अपने गुरु को युद्ध, अपने गुरु से युद्ध किया है ना, उनका भार उठा के, अपना भार उठा के अपने गुरु के साथ में युद्ध किया, उससे उनको स्वेदन आ गया। सुश्रुत का कैसे याद करेंगे? सुश्रुत ने बोला व्यायाम से नहीं, अपने गुरु से युद्ध करके, व्यायाम से नहीं, अपने गुरु से युद्ध करके अपना भार उठाया, ऐसे करके आपको इसको याद करना है। फिर आते हैं शिरोरोग में, तो शिरोरोग की संख्या चरक संहिता में 5 बताई गई है, वाता पित्त का पद दोषज और कृमिज, ऐसे करके कौन से चैप्टर में वो ध्यान रखना है, क्रियन शीर्षीय जो अध्याय है उसमें बताई गई है 17वें अध्याय में, जबकि सुश्रुत माधव ने 11 बताई है, ये भी एग्जाम में आती है, बताई है 11 में आते हैं वाता पित्त का पद त्रिदोषज कृमिज रक्तज क्षयज, इसके अलावा सूर्यवंत अनंतवाद अर्धवेदक और संखक, ऐसे करके 11 बताए हैं, ये मालूम होना चाहिए। अष्टांग संग्रह ने 9 बताए हैं, अष्टांग हृदय ने 10 बताए हैं, तो अष्टांग संग्रह ने 9 बताए, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, बहुत पूछा जाता है, अष्टांग ने कितने बताए हैं? 9। सुश्रुत माधव भाव प्रकाश युग रत्न करने कितने बताए हैं? 11। मेरा सुवियोग यानी सुश्रुत का जो सुवियोग है वो कितना है? 11। ऐसा करके याद करना है। अष्टांग संग्रह में 9 बताए, अष्टांग हृदय में 10 है, ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अष्टांग हृदय का श्लोक है, इत्युक्तम 10 रोगा शिरोगता, 10 रोगा शिरोगता, यानी 10 कितने रोग बताए हैं अष्टांग में? हृदय ने 10 रोग माने हैं शिरो के, और शिरस शिरस ये चा बक्षंते कपाले व्याधो नया, सिर कपाल के रोग जो है 9 बताए, तो टोटल 19 नहीं माना जाएगा, सिर रोग जो है वो 10 माने जाएंगे, और सिर कपाल के रोग कितने माने जाएंगे? 9 माने जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर कपाल के बता रहे हैं संग्रह, जबकि अष्टांग ने दोनों के अलग अलग बताए, सिर कपाल के 9 बताए हैं और शिरो रोग जो है वो 10 बताए। हृदय रोग की बात करते हैं तो चरक संहिता में हृदय रोग जो है वो 5 बताए हैं, वाता पित्त कफ सन्निपातज जो कृमिज, जबकि सुश्रुत ने 4 बताए, उन्होंने वाता पित्त के अलावा कृमिज बताया हुआ, सन्निपातज हृदय रोग नहीं माना, तो सा से सुश्रुत आता है, सा से सन्निपातज आता है, सुश्रुत ने कौन सा नहीं माना है? सन्निपातज नहीं माना, ये हमें याद रखना है, सुश्रुत ने सन्निपातज नहीं माना है, सा से सुश्रुत, सा से सन्निपातज, सन्निपातज नहीं माना है। फिर आते हैं प्रमेय पीड़िकाओं में, प्रमेय पीड़िकाओं में चरक ने कहा है कि वो चरक के अनुसार उनकी संख्या 7 होती है। नाम की बात करते हैं तो सराबिका का सा ले लेते हैं, कच्छपिका का का लेते हैं, तो शक शक है किसी व्यक्ति को, शक का जाल किसी व्यक्ति के अंदर घुस गया है, शक का जाल जो है कस के भर गया है, कफज होती है 3, सराबिका कच्छपिका और जालनी, कि सांप सांप है अपनी बीवी, जैसे किसी की बीवी नागिन होती है, नागिन सीरियल आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर चरक को शक है, शक का जाल है ना, कि सांप है अपनी बीवी, शक का जाल है, सांप है अपनी बीवी, ऐसे करके याद करना है, शक का जाल है ना, सांप है अपनी बीवी, तो सांप है अपनी बीवी, ये तो पित्तज होते हैं, और जो है शक का जाल जो है वो कपज होते हैं, तो ये कौन कपज होती हैं, कौन पित्तज होती हैं, ये मालूम होना चाहिए, ये 3 जो है शुरुआती कपज होती हैं और बाद की 4 वाली जो है वो पित्तज होती हैं, सर्प अपनी बीवी पित्तज होता है, और सराबिका कच्छपिका जालिनी जो है शक का जाल जो है वो कपज होता है। काश्यप ने अरुणसिंह का बताई, अरुणसिंह का यानी रूसी होती है, बच्चों में ज्यादा बालों में रूसी फैलती है, तो अरुणसिंह का वर्णन जो है वो काश्यप ने किया है, काश्यप ने 8 बताई है, भोज ने 9 बताई, उनने सारिबिका कच्छपिका जालिनी सरस्वती अलजी विदिध, कुल मिला के किसका वर्णन नहीं किया, विनती नहीं करी है, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, राजा किसी व्यक्ति से विनता यानी विनती नहीं करते हैं, है ना, राजा तो फरमान देते हैं, तो राजा कभी किसी से विनती नहीं करते हैं, तो विनता नहीं मानी है, विनता नहीं बताई है, राजा राजा व्यक्ति कभी किसी से, राजा भोज है ये, राजा भोज है, तो राजा कभी किसी से विनती नहीं करता है, विनता नहीं मानी है,
राजाओं का कुल होता है, माहिष्मति कुल के राजा है ना, माहिष्मति कुल के राजा, ये सबको याद आ जाता है, माहिष्मति कुल के राजा अमरेंद्र बाहुबली। तो राजाओं का कुल होता है, कुलत्ती का कौन बताएंगे, राजा भोज, उनकी पुत्री विदा होती है तो सबको पता चलता है, पूरी बारात इतनी धूमधाम से निकलती है, कुल वधु कुल पुत्र जो है, पुत्रनी बेदारी का ये जो है भोज ने बताए, जबकि सुश्रुत बागभट ने जो है 10 बताया, उनने मसूरनी का पुत्रनी बेदारी का जो है 3 अलग से बताए। पुराने जमाने में लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी क्योंकि शुगर डेली नहीं खाते थे, आजकल तो चॉकलेट के रूप में डेली खा रहे हैं। तो पहले कैसे पता चलता था कि किसी को शुगर बढ़ गई है, तो मशहूर व्यक्ति की पुत्री विदा होती थी तो उसमें लड्डू खाने को मिलते थे लोगों को खूब सारे, तो मशहूर मशहूर व्यक्ति की पुत्री विदा हुई तो सबको खाने को मिले 10-10 लड्डू, है ना। सुश्रुत भागवत में 10 बताए हैं, मसूरनी पितृणी बिदारी का 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, ऐसा करके याद रखना है। फिर आते हैं सोत के उपद्रव, तो चरक में सोत के उपद्रव 7 बताए गए हैं और सुश्रुत में जो है 9 बताए गए हैं। 7 में श्लोक, सोत जब भी हमारे शरीर में सूजन होगी, सूजन होगी तो सूजन को दूर करने के लिए यानी एक्स्ट्रा फ्लूड जो जमा हो गया उसको दूर करने के लिए शरीर में से क्या रास्ते हैं प्राकृतिक, एक तो छर्दी करके बाहर निकाल दो या फिर विरेचन करके निकाल दो या स्वेटिंग हो जाए पसीना आ जाए, तो पहला तरीका चुनते हैं छर्दी। तो छर्दी से याद करते हैं यानी सूजन है तो हमें उसको उसका फ्लूड शरीर में से बाहर निकालना है, फ्लूड को, तो हमने क्या हुई छर्दी। छर्दी जब होती है यानी उल्टी जब होती है तो फिर वो लंग्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं बाहर निकालने के प्रोसेस में, तो क्या हो गया श्वास, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी जब जब हमें छर्दी होगी तो अरुचि रहेगा, और अल्टीमेटली छर्दी में जब पानी बहुत सारा निकल जाएगा तो हमें क्या उत्पन्न हो जाएगी तृष्णा। तो ये लक्षण है छर्दी श्वास अरुचि तृष्णा। दूसरा तरीका है कि आप अपने शरीर में से पानी निकाल के किसी फ्लूड को बाहर कर दो, तो ज्वर अतिसार यानी अधोमार्ग से बाहर निकाल दो, तो ज्वर अतिसार में जब अपन अधोमार्ग से बाहर निकाल सकते हैं उससे ज्यादा क्या आ जाएगी आपको वीकनेस, ऐसे करके याद करना है कि सूजन है, सूजन यानी शरीर में कहीं पर फ्लूड जमा हो गया है, फ्लूड को बाहर निकालने के लिए छर्दी होगी शरीर में, छर्दी होगी तो हमारे लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, श्वास हो जाएगा, हमको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी तो अरुचि हो जाएगी, अरुचि के कारण छर्दी के कारण हमें तृष्णा यानी प्यास लगेगी। दूसरा क्या है ज्वर फीवर जाएगा उससे पसीना निकल के बाहर निकलती हैं चीजें शरीर से, अतिसार यानी दस्त के माध्यम से हमारे शरीर से चीजें निकलती हैं, लेकिन अतिसार और इनसे क्या आ जाएगी शरीर में दौर्बलता आ जाएगी, तो अतिसार ज्वर अतिसार दौर्बल ये चरक में सोत के उपद्रव बताए। सुश्रुत संहिता में आते हैं तो सुश्रुत संहिता में 9 बताए उनने, इन 7 के अलावा हिक्का और कांस और बताया, उनने बोला हमारा भी हक है, हम भी सोत, हमारे में भी आता है सोत हर जगह बीमारियों में, तो हक बताया सुश्रुत ने कि भैया मैं हक से बताता हूँ ऐसे करके। फिर आते हैं अंतर्विदिधि के स्थान, तो चरक संहिता में 9 बताए गए हैं और सुश्रुत में 10 बताए हैं उनने, गुदा और बताइए, तो ये 9, 10 और फिगर तो याद हो जाते हैं, केवल ये जो है 10वां किसने बताया, तो सुश्रुत ने बताया है क्योंकि भैया सुश्रुत छाड़सूत का यूज करते हैं, छाड़सूत लगाने के लिए उन्हें गुदा का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा तो फिर किसने बताया होगा, हमेशा गुदा कौन बताएगा, सुश्रुत बताएंगे क्योंकि छाड़सूत में वो ही एग्जामिन करेंगे। तो चरक में 9 है और सुश्रुत में 10 है, ऐसा याद रखना है। फिर आते हैं अग्र यानी श्रेष्ठ भावों की संख्या, चरक में 152 है और सुश्रुत में, चरक में 152 है, 152, अष्टांग संग्रह में 155 है। चरक में जो है श्रेष्ठ भाव चरक सूत्र अध्याय 25 में बताए गए हैं, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी लिख दिया है ना उसके बाद में जो है सबका संदर्भ जो है एक ही निकलता है 25वां चैप्टर, और अष्टांग में 23वां अध्याय है, और अग्रय नाम से ही चैप्टर है वो, अष्टांग का जो चैप्टर है वो अग्रय नाम से ही है, जो अग्र अपन पढ़ते हैं उसी नाम से अष्टांग का चैप्टर है। अब इनकी संख्या याद करते हैं तो देखो बागवत दो होते हैं तो यहाँ पर देखो एक जैसी संख्या लिखी है 5 5 5 5, ठीक है 5 5 ऐसे करके दो लिखी है क्योंकि बागवत जो है वो संख्या में दो है, एक लघु बागवत एक बृहद बागवत करके, ये 5 5 संख्या, एक एक बागवत की 5 दूसरे बागवत की 5,
ऐसे करके 155 अष्टांगी हैं। चरक की 152 याद करने के लिए अपन इनको चरक के फेवरेट चीज से याद करते हैं। चरक क्या कहते हैं, ये 1 + 5 + 2, इन तीन सबको जोड़ देंगे तो चरक का फेवरेट नंबर आ जाएगा 8, है ना। अष्टांग 8 उनको चरक को बहुत प्रिय है, तो ये फिगर जोड़ने पे 8 हो जाता है। अगर आपको ये तरीका याद रहा तो एग्जाम में 100% आप 152 पे ही टिक लगा के आएंगे। चरक में 152 है। फिर आते हैं कसाय कल्पनाओं में, तो कसाय कल्पनाएं चरक बागवट और सारंगधर में 5 बताई गई हैं। स्वरस कल्क सरस सीत फांड, ठीक है, ये तो मुख्य कसाय कल्पनाएं होती है, 5 बताई गई हैं। सुश्रुत संहिता में 6 बताई गई हैं, स्वरस कल्क सरस सीत फांड और क्षीर। क्षीर जो है एक्स्ट्रा बताई गई है, सुश्रुत में 6 बताई गई हैं। ये लिखा नहीं है लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया है। सुश्रुत सर्जन है, क्षार सूत्र यूज होता है, क्षार सूत्र में स्नोई क्षीर का यूज होता है, आप सभी जानते हैं। तो स्नोई क्षीर का यूज करते हैं, स्नोई क्षीर का यूज करते करते सुश्रुत ने क्षीर कल्पना अलग से बता दी, ऐसा मालूम होना चाहिए। सुश्रुत सूत्र अध्याय 44 यानी 44वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। फिर आते हैं काश्यप में, काश्यप में 7 बताई गई हैं। तो 7 में उन्हें 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, अभिसव और चूर्ण। तो अभिसव चूर्ण को लिख लेंगे, अभी चाहिए, है ना, कोई चीज आपको एक्स्ट्रा पता चलती है तो सब लोग डिमांड करते हैं, है ना, कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। अब जो चीज 5 होती है, 6 होती है और 7 हो गई, तो सभी लोग बोलेंगे कि 7 कैसे हो गई, मुझे भी चाहिए। तो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, ऐसा करके यहाँ रखेंगे। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी सब और चूर्ण आता है ना, शुष्क काश्यप में 7 बताइए। फिर आओ मधु की जातियां चरक में जो है वो कितनी बताई गई हैं, 4 बताई गई हैं। चरक में है पैतृक, ब्राह्मण, छोत और माक्षिक। तो ये मधु जो है हमको जो है मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो हमने इनको चारों को जोड़ने के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, पीला भंवरा छोटा माक्षिक, पीला भंवरा छोटा माक्षिक, पीला भंवरा छोटा माक्षिक, ऐसे करके याद कर लेना, पीला भंवरा छोटा माक्षिक। सुश्रुत में 8 बताए हैं, तो हमने चरक से पूछा आप तो हर चीज 8 बताते थे, मधु 4 क्यों बताए। सुश्रुत में 8 बताए गए हैं, आपने 4 ही बताए हैं, कैसे कम बताए हैं। तो उन्होंने कहा है कि 4 को मैंने भगा दिया क्योंकि वो बहुत ऊर्मी थे, उद्दालक आद छात्र दल, ऊर्मी इसको अपन याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, ऊर्मी आधा छात्र दल, आधा छात्र दल जो था मधुमक्खियों का, छत्ते का जो दल था, आधे छत्ते का जो दल था वो ऊर्मी था, मतलब ऊधम करने वाला, यानी बहुत नोटी था, इसलिए उनको बाहर कर दिया। तो चरक ने किसको बाहर कर दिया, किसको नहीं बताया है, तो ऊर्मी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऊर्मी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऐसा करके ऊर्मी आधा छात्र दल को नहीं बताया, ऐसा करके यार। फिर बढ़ते हैं आहार के भेदों में, तो आहार के भेदों में चरक में जो है 28वें चैप्टर में बताए गए हैं सबसे पहले, सुश्रुत में 14वें चैप्टर में बताए गए हैं, जो सौणित वर्णन चैप्टर है उसमें, कि आहार की चतुर्विधम आहार होता है, असित पीट लीड खादित, ऐसे करके चरक सुश्रुत में दोनों में आहार के भेद 4 हैं। सारंगधर और जो है भाव प्रकाश में, इसको भाषा कह सकते हैं, भाव प्रकाश का भा और सारंगधर का सा, तो दोनों मिला के हो गया भाषा। भाषा भाषा ने 6 बताए, पे भोज भक्ष ले चब्र चोष्ट, तो यहाँ पर चब्र चोष्ट को लिख लेंगे चा 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 चा, भाषा चाचा ने, भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं चब्र और चोष्ट, भाषा चाचा ने 2 एक्स्ट्रा बताए हैं चब्र और चोष्ट, भाषा भाषा चाचा ने जो भा और सा चाचा है उनने 2 बताए हैं एक्स्ट्रा चब्र और चोष्ट। फिर आते हैं कुक्षी के भेदों में, तो चरक में तो चैप्टर का नाम ही है त्रिविध कुक्षी विमानी अध्याय, विमान का दूसरा अध्याय जो है वो त्रिविध कुक्षी विमानी अध्याय है। इसमें कुक्षी के 3 हिस्से करते हैं वो, इसमें बंथर्ड जो है वो ठोस के लिए होता है, बंथर्ड जो है आपके उसके लिए होता है, द्रव के लिए होता है, बंथर्ड वायु के लिए होता है, ऐसा करके बताएं। अष्टांग हृदय में जो है 4 बताए गए हैं, तो इसमें 2 भाग जो है ठोस के लिए होते हैं, एक भाग द्रव के लिए होता है, एक भाग वायु के लिए होता है। अष्टांग में इसका वर्णन जो है वो 8वें चैप्टर में सूत्र स्थान के।
काश्यप में खिलिस्तान बताया गया, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ बताए गए? खिलिस्तान में बताए गए। खिलिस्तान में बताया उन्हें कि चार हिस्से होते हैं कुक्षी के, दो ठोस आहार के लिए होते हैं है ना, और एक लिक्विड आहार के लिए होता है, और एक जो है वायु के लिए होता है। ऐसा करके काश्यप में चार हो जाते हैं। तो चरक जो है तीन ही मानते हैं, अष्टांग और काश्यप जो है चार मानते हैं। फिर आते हैं उदावर्त के वेदों में। उदावर्त में चरक में उदावर्त के वेद छह होते हैं। कहाँ बताए गए हैं उदावर्त के छह वेद? उदावर्त वाले चैप्टर में जहाँ उदावर्त का वर्णन है, त्रिमर्म सिद्धि अध्याय, वो त्रिमर्म चिकित्सा अध्याय, वहां नहीं बताए गए हैं। 19वें अध्याय में अष्टोदय अध्याय में लिखा है कि है ना अतिसार उदावर्त कितने होते हैं? छह होते हैं, है ना। भेदों का वर्णन जो है वो अष्टोत्तरी अध्याय में है, वहां पर छह बताए हैं। काश्यप और चरक एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक जैसा ही बताते हैं। तो चरक और काश्यप में सेम है, दोनों में छह बताए गए हैं। चरक में भी छह हैं, काश्यप में भी छह हैं। जो अधो वायु के जो वेग होते हैं, मल का, मूत्र का, पुरीष का, अपान वायु का, उनके रोकने से छह प्रकार के उदावर्त बताए गए हैं। सुश्रुत में अधारणी वेग तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन सुश्रुत में उत्तरदंड का जो 55वां अध्याय है उसमें उदावर्त के नाम से ही है वो, उसमें उदावर्त के 13, अधारणी वेग से 13, और एक अपत्य निमत्तेज बताया। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत एक जाना एग्जाम में आता है। 13 अधारणी के भी के अलावा एक अपत्य निमत्तेज भी है। तो चूंकि उत्तरदंड में हो रहा है तो उत्तरदंड में एक अलग से चलना ही चलना है अपत्य, है ना, ऐसा करके याद कर लेंगे। एक अलग से अपत चलना ही चलना है, 13 के अलावा एक अपत निमंत्रज है। फिर आते हैं शुक्र दोष में। तो शुक्र दोष में लिखा है शुक्र दोष कितने होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है शुक्र दोष की संख्या कितनी है। चरक का श्लोक है, फेनलम तनु रूक्षम विवर्णम पूति पिच्छलम अन्न धातु संश्रेष्ठम अपसादी तथा अष्टम। क्योंकि श्लोक में अष्टम आता है, इसलिए एग्जाम में अगर आपसे पूछते हैं चरक में शुक्र दोष कितने हैं, 8। वैसे भी चरक में 8 का तो बहुत शुभ अंक है। सुश्रुत में संख्या नहीं है, लेकिन गिनने पर 11 हो जाते हैं। वात पित्त श्लेष्मणाम सौणित कुपण गंथी गंथी ग्रंथि पूति पूय छीन मूत्र रेतस प्रजोत्पादनो न समर्थनो भवंती, ऐसे करके 11 बताए गए हैं। संख्या इसमें नहीं है, लेकिन गिनने पर 11 होते हैं। इनमें से जो वात पित्त कफ और सौणित है, यानी चार जो होते हैं वात पित्त कफ यानी दोषज जो होते हैं, वो 7 होते हैं। कुणप ग्रंथि ग्रंथि पूति पूय और छीण जो है ये 5 जो है वो कष्ट साध्य होते हैं। ये कुणप ग्रंथि पूति पूय छीण ये 5 जो है वो कष्ट साध्य होते हैं। और दो जो है इसमें से असाध्य होते हैं। कौन कौन से दो असाध्य होते हैं? तो जो मूत और पुरुष से मिला हुआ जो आते हैं वो दो असाध्य होते हैं। ऐसे करके टोटल ये 11 होते हैं, साध्य 4, कष्ट साध्य 5 और असाध्य 2। दोनों में एक ही कॉमन होता है, ये पूति पूति जो है ना वो दोनों में कॉमन बताया गया। पूति चरक में भी सुख दोष बताया गया और सुश्रुत में भी सुख दोष बताया गया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में से आते हैं। आर्तव मर्यादा में आते हैं। तो चरक में श्लोक है पंचरात्र अनुबंधी, चरक चिकित्सा अध्याय 30 यानी योनि व्यापद में बताया गया है कि आर्तव की मर्यादा यानी आर्तव के आने का टाइम जो है वो 5 रात्रि तक रहता है। सुश्रुत भागवत में 3 बताया गया है। त्रियम शब्द आता है भागवत में, सुश्रुत में भी त्रियम छोड़ के आता है, 3 दिन छोड़ के। इन्हीं दोनों को उठा के आधुनिक ने बता दिया कि एक 3 बता रहा है, एक 5 बता रहा है। तो 3 और 5 दोनों का ही लिख के 3 से 5 दिन आधुनिक बताया। और हारित ने जो है वो संख्या कितनी बता दी है? 7। अब 7 संख्या तो सही नहीं है, 7 तो संख्या होती ही नहीं है, तो इसलिए हारित जो है वो हार गए हैं। बताने में क्या कर गए हैं? हार मान लिए, हार गए हैं, क्योंकि उन्हें संख्या सही नहीं बताई। तो हारित ने हार गए हैं यानी संख्या ज्यादा बताते हैं, ऐसा करके आपको याद रखना है कि हारित में है 7। तो दोस्तों ये थे शुरुआत के 2 चैप्टर, थोड़े बड़े हैं हमको, हमने आज अच्छे से पढ़ा। आशा करते हैं आप सबको ये याद हो जाएंगे। फिर देखते हैं इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 3 पेज नंबर 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।